बैंड बज गया भाई साहब। पानी से बाहर आ रही है जलपरी, चलो पानी में ले चलते हैं, चलो 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 पानी में ले चलते हैं। पानी है नीचे या अंदर? जा पूछ के आ। निकल जा भाई। ओ भाई साहब मिट्टी देख रहे हो गाइस, मिट्टी तो सिर्फ हो रही है। क्या हो गया ये, क्या हो गया भाई? पानी कितना ज्यादा घुसा हुआ है। स्कूटी को यहीं पे लगा के जा रहे हैं बिकॉज स्टार्ट नहीं हो रही है। सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे सब लोग? सब बढ़िया ना? तो गाइस आ चुके हैं और फिर से इन वीडियो के साथ। आप देख रहे हो स्कूटी की हालत क्या है, पूरी की पूरी ना स्कूटी खोल दी है। तो लास्ट वीडियो तो आपने देख ली होगी, मोम के साथ प्रैंक भी किया था हमने, तब से स्कूटी खोल ली है और अभी तक खुली की खुली है। कोई भी पैनल नहीं लगाए हैं, जो भी पैनल थे सारे के सारे खोल दिए। तो स्टार्ट भी नहीं हो सकती यहाँ से, देखो यहाँ से स्टार्ट भी नहीं हो सकती बिकॉज ये यहाँ से स्विच भी है ये भी खोल दिए, बस यहाँ पे मीटर लगा हुआ है। ऐसी कुछ अपनी स्कूटी गाइस आज जा रहे हैं इसको लेके ऑफ रोड करने। मैंने सोचा यार इसको ना अगर पैनल लगा के मैं ऑफ रोड करने ले जाऊंगा ना, जितने भी पैनल से उनके लॉक ना सारे के सारे टूट चुके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ऐसे खुला करके लेके जाएं ताकि और कोई प्रॉब्लम ना आए। खुला करके लेके जाएंगे तो आसानी से ऑफ रोड कर सकते हैं हम। आपको बताता हूं कि हम ऑफ रोड करने कहां जा रहे हैं। ऑफ रोड करने हम उसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे हमारी बाइक खराब हुई थी। अब्बास बेटा बहुत बढ़िया, ऑफ रोड करेंगे फुल पावर पर। इस बार बाइक की जगह हमारे पास स्कूटी है, ठीक है। साइड के पैनल निकले चुके हैं, ये सामने का पैनल निकल चुका है, यहाँ से मडगार्ड निकल चुका है। चलो चलते हैं जल्दी से बिकॉज गाइस धूप ना बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सो लेट्स गो गाइस, निकलते हैं जल्दी से। तो गाइस भाई भी है साथ में बिकॉज भाई जरूरी है, ऐसे अगर फंस गए तो कैसे निकालेंगे। सो लेट्स गो, सबसे पहले तो गाइस ये स्टार्ट करनी पड़ेगी और ये ऐसे स्टार्ट नहीं होगी, ये किक से स्टार्ट होगी। अब कॉकपिट व्यू आपको चेक करवाते हैं भाई, कॉकपिट व्यू देखो कैसा है। तो ऐसा लग रहा है कि हैंडल ही पकड़ा मैंने बीच में, निकल चुके हैं। और देखो भाई मैंने पांव कैसे रखे हुए हैं, यहाँ पे स्पोर्ट था आगे पर अभी स्पोर्ट नहीं है, तो ऐसे जा रहे हैं पैर। ये देखो यहाँ से ऐसे खुली सी लग रही है, तो विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है भाई इसमें। हाथ छोड़ के कैसी है भाई, एक तरफ को जा रही है। कुछ भी बोलो चलाने में ना इसको मजा काफी ज्यादा आता है। गाइस इसको ज्यादा भगा भी नहीं सकते बिकॉज ये कंट्रोल में नहीं होती है, ब्रेक पैड इसके पूरे के पूरे जा चुके हैं भाई। भाई इस स्कूटी को हमारे पास पूरे 9 साल हो चुके हैं। ये देखो गाइस पूरी ब्रेक प्रेस की, ये रुक नहीं रही है भाई, खतरनाक ही है यार। अगर यहाँ पे हमने न्यूट्रल मार दिया तो सीन कुछ ऐसे, न्यूट्रल मारने से भाई पूरी की पूरी ये बंद हो जाएगी, फिर उतर के रुक कर स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसमें पेट्रोल देखो कितना, इतना सही है। उससे पहले हमें वापस भी आना पड़ेगा, नहीं तो फिर फंसेंगे हम। तो गाइस आ चुके हैं बोही वाला रोड है अपना, और इस रोड पे फिर से जाएंगे फुल पावर, मजा तो काफी ज्यादा आने वाला है। यहाँ पे हमारी बाइक बंद हुई थी और यही वो जगह है जहाँ से अब हम स्कूटी ले जा रहे हैं। तो गाइस जब लास्ट टाइम हम आए थे तो ये वाला रोड आगे से बंद नहीं था। ये देखो यहाँ से ना किसी ने यहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी फेंक दी है, तो यहाँ से उठा के किसी ने फेंकी है वहां पे ताकि इस साइड कोई ना जाए। तो चलो चलते हैं जल्दी से, देखते हैं कैसा रहता है। आधे आधे टायर तो यही पे चले गए स्कूटी के अंदर। चलो 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 चलो, निकल गए निकल गए निकल गए। यहाँ से कैसे ले जाएंगे? चल 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 ऊपर लेके आना इस तरफ वाले रास्ते से। हाँ उठा के रख के जा। हाँ 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 निकाल हाँ निकाल 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 दी भाई निकाल। हालत खराब हो गई, सूज की हालत देखो मेरी। यहाँ पे थोड़ा काम है तो निकल जाएगी आराम से भाई। स्कूटी तो बाइक से भी आसानी से निकल रही है। तो गाइस यही वो जगह है यहाँ पे हुई थी बाइक खराब। आज देखो आज पानी कितना ज्यादा कम है, आप देख सकते हैं उस वीडियो में बैकग्राउंड में यही थे, यही एरिया था, यहाँ पे बाइक खराब हुई और फिर हमने धक्के लगा के बाइक ना वहाँ पे खड़ी की थी। वहाँ बस एक बार पानी में उस तरफ कब आएगा मजा, पीछे कर थोड़ी सी बस। अब चल फंस गई गाइस, ये देखो भाई ये भी फंस गई है, बाइक इधर फंसी सी स्कूटी इधर फंसी है। तो गाइस ये अपनी बाइक की यादें हैं, ये बाइक का चेन कवर है, याद आ रहा है आपको चेन के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर है ये वो ही है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। गाइस ये देखो पूरी ना पैंट पूरी गीली हो गई है, शूज भी गीले हो गए हैं, और शूज में देखो ये देखो पानी देख रही हो भाई, शूज में दोनों शूज में, ये भी शूज भरा हुआ पानी से। ये देखो जब भी मैं पानी में गया था और शूज में ना पूरा पानी घुस गया था, तो जितना हो सकता था ना मैंने पानी निकाला है। यहाँ पे गया था मैं, पानी है नीचे या दलदल? अब पूछ क्या, चीटिंग करता है तू। दलदल है, दलदल दलदल है ना, दोबारा मत बोलना क्या है, मुझे बोल रहा है कि पानी है नीचे की दलदल है। तू गए जब ना अभी पूरा ना मिट्टी है भाई, मिट्टी में पूरा धस चुका हूं मैं, भाई को बुला रहा हूं जल्दी से जल्दी जल्दी, यहाँ इसको रास्ते नहीं मिल रहा गाइस। यहाँ पे ना ये देखो थोड़ा सा निकालूंगा ना, ये मिट्टी है सारी, भाई चलेंगे इसके अंदर। निकल जा निकल जा निकल जा। ओ भाई साहब निकल गया। ओ भाई साहब मिट्टी देख रहे हो गाइस, मिट्टी तो सिर्फ हो रही है। आ गया आ गया
आगे बाहर भाई ये देखो यहाँ पूरी ना ये पूरी मिट्टी है भाई सूज की हालत देख रहे हो ये दलदल है पूरा पता है ये दलदल है ये देखो गाइस ये देखो मिट्टी देख रहे हो ये पूरी तो गाइस अभी मिस साइड जा रहा था यहाँ पे देखो पूरा ना पैर नीचे धस गया लो उठ गया भाई ओ ले दोनों धस गए अंदर ऐसे ऐसे करके निकलेंगे ये निकल गया भाई साहब क्या हो गया हैं ये क्या हो गया अंदर गया अरे मेरी मेरी वाली जगह भी डूबा भाई ये भी देखो गाइस अभी मैं यहाँ पे आया था ठीक है तो यहाँ पे मुझे एक जलपरी मिली है भाई पानी से बाहर आने की कोशिश कर रही है पानी से बाहर आ रही है जलपरी चलो पानी में ले चलते हैं चलो पानी में ले चलते हैं भाई ऐसे मर जाएगी जलपरी सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ तो गाइस ऐसे हेल्प करो दूसरों की ये कौन सी जलपरी है जो पानी से बाहर आके भी सांस ले रही है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है गाइस भाई तो पूरा ये देखो पानी से भीग गया पर इसमें मिट्टी नहीं लगी है पर मेरी देखो मेरी मिट्टी लगी है बहुत ज्यादा तो मिट्टी साफ करनी पड़ेगी घर पे जाके नहाना तो पड़ेगा भाई खतरनाक ही भाई खतरनाक ही सीन हुआ है ये देखो मिट्टी कितनी ज्यादा है अभी मेरे हाथ में हेलमेट है ठीक है मैं जा रहा हूँ भाई के पास वो फसगी ऐसे पीछे का टायर धस गया तो मैंने इसको कहा था कि निकाल इसको तो ये खेलने लग पड़ा है स्कूटी के साथ भाई चल यार जल्दी कर ले कर दी बंद होगी दे मैं निकालता हूँ तू निकाल के देख ले तो गाइस अब स्कूटी बंद हो चुकी है ठीक है तो यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ी है तो बाहर से करनी पड़ेगी बिकॉज स्विच तो है नहीं कि स्टार्ट कर पाए भाई बोल रहा कि मैं निकालता हूँ निकल जाएगी ये तो आगे से खड़ी हो रही है रुक जा मुझे लग रहा बहुत ज्यादा गहरा हो गया ये देखो गाइस कितना गहरा गड्ढा हो गया यहाँ पे तो गाइस पानी भी अंदर चला गया इसके ये देखो पानी निकल रहा है थोड़ा सा बैंड बज गया भाई उठा इधर से चल ओ भाई लेकर स्टार्ट कर भाई जो गिरा ये खतरनाक ही जब ही बाहर निकाल दी है स्कूटी और अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी पता नहीं स्टार्ट होती है नहीं होती है ये देखो गाइस पानी निकल रहा है भाई ओ भाई साहब चल इस पानी में गिरने के बाद ना स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट होने में टाइम तो लगाएगी भाई ये पानी चला गया होगा अंदर तो गाइस ये देखो भाई पानी निकाल रहे हैं इसमें से ये देख रही हो भाई पानी कितना ज्यादा घुसा हुआ अंदर तो रहने दो फिर अभी निकल रहा रहने दे निकलने दे थोड़ा सा इस किक मारी है बहुत सारी स्टार्ट नहीं हो रही है तो यहाँ से अब बाहर से ट्राई करते हैं लगा बाहर से देख लेते क्या पता हो ही जाए अबे ना अभी एक घंटा हो चुका है अभी आवाज सुनो कैसी आ रही है पानी ना अभी भी पानी निकल रहा है फिल्टर से भी बहुत ज्यादा यहाँ से फिल्टर खोल रहा है ये वाला तो फिल्टर से भी बहुत ज्यादा पानी निकला और यहाँ से अभी देखो काला पानी निकल रहा है अभी कोशिश कर रही है और फुल थ्रोटल दे के रखा हुआ है थोड़ी धीरे धीरे सांस ले रही है थोड़ा टाइम तक ऐसे स्टार्ट रखनी पड़ेगी तब ये चलेगी अभी स्कूटी को यहीं पे लगा के जा रहे हैं बिकॉज स्टार्ट नहीं हो रही है तो शाम को आएंगे बिकॉज बहुत ज्यादा धूप है यार यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं और अभी मैं कॉल कर रहा हूँ यार गाड़ी में जाते हैं वापस सो यार गाइस अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं ठीक है तो स्कूटी को छोड़ के आए हैं भाई नीचे बिकॉज इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है अब कि स्कूटी को लेकर आए तो अभी घर जा रहे हैं बिकॉज धूप बड़ी ज्यादा है तो गाड़ी में जाएंगे और फिर हम शाम को वापस आएंगे स्कूटी को लेने और स्कूटी को फिर हम छोड़ के आएंगे मैकेनिक के पास तो मैकेनिक ठीक कर देगा मुझे लग रहा है इंजन में पानी चला गया होगा उसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही है वैसे स्टार्ट हो रही है पर बहुत कम हो रही है कपड़े देख रहे हो ये देखो कपड़े हालत खराब है घर में आ चुके हैं ये गाड़ी है तो आगे अभी वापिस आए हैं देखो कपड़े चेंज करने मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए ठीक है तो अभी स्कूटी ने स्टार्ट हो गई है अभी जैसे हम आए और हमने स्टार्ट की ना तो स्टार्ट होगी मुझे लग रहा है ना पानी घुस गया था तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी अभी ठीक है अभी निकलते हैं जल्दी से यहाँ से बिकॉज अभी स्टार्ट हो गई है तो निकलना तो पड़ेगा चलो लेट्स गो चल निकल ही जाना है चल नहीं रही है I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है मेरी किस्मत ही खराब है स्कूटी स्टार्ट हो गई है ये देखो चलो चलते हैं चल पर एक ही दिक्कत इसमें कि ये स्पीड नहीं पकड़ रही है बाकी कोई दिक्कत नहीं है पर आराम से चलिए भाई इस मैंने तो सोचा ना गाड़ी वाले को करना पड़ेगा आराम से ऐसे पहुंच जाएगी घर में जाके ना इसको अच्छे से खोल के देखूंगा भाई क्या हुआ है खतरनाक भाई ये जो भाई ने पूरी स्पीड दी है ना फुल थ्रोटल है ना तो गाइस भाई ने ना फुल थ्रोटल दी हुआ फिर भी देखो कितनी स्पीड में चल रही है बहुत ज्यादा स्लो चल रही है एक और काम था दवाई वगैरह लेनी थी वो भी ले ली है और स्कूटी भी खराब थी वो भी लेके आगे दोनों काम हो गए भाई हमारे अपने
तो या गाइस अभी भाई स्टार्ट हो गई है और इसने अभी स्पीड भी थोड़ी पकड़ ली है, यहाँ पे थोड़ी भगाई थी तो स्पीड भी इसने पकड़ ली है। चाबी नहीं थी इसकी, ये देखो चाबी नहीं है अभी भी, और यहाँ से ज्वाइंट किया, यहाँ से दो ज्वाइंट किए, ठीक है, तो उसकी वजह से चालू हो गई है। और ये स्कूटी थी अपने पास वालों की, ये ठीक है, तो इसको लेकर आए थे और थोड़ा सा काम भी था तो इसलिए लेकर आए थे, नहीं तो हमने ऐसे चले जाना था, ठीक है। अभी चलते हैं सीधे घर, ठीक है, घर जाएंगे सीधे, रुकना ही नहीं है। इसकी दोनों ब्रेक ना मैंने ये लूज की है और ये तो लगती नहीं है, तो घर पे जाके ना अच्छे से मिलता हूँ, ठीक है। गाइस अभी सब्सक्राइबर आए हैं ये मिलने, तो गाइस ये स्कूटी है, इसकी मैं राइड लेने वाला हूँ, देखते हैं भाई कैसी है। और ये आपको बताऊँ ये है इलेक्ट्रिकल स्कूटी, ठीक है, चला के देखी नहीं है तो मैंने सोचा एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज एक टाइम पे ये लेनी है, तो चलो ट्राई करके देखते हैं कैसी रहती है। तो या गाइस अभी चला रहा हूँ, तो गाइस ये है इलेक्ट्रिकल स्कूटी, काफी अच्छी लग रही है यार, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है तो बहुत ज्यादा सही है, बस डर लग रहा है इसमें। और इसकी ब्रेकिंग ना भाई, ब्रेकिंग बहुत ज्यादा खतरनाक है, आवाज बहुत ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि साइलेंट है ना भाई, अच्छी है आपकी स्कूटी, मजा आ गया। अभी ना गाइस अभी कुछ सब्सक्राइबर आए थे और अभी मैं वीडियो को एंड कर देता हूँ, ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी ना तो गाइस लाइक कर देना, मिलेंगे ओके, तो बाय बाय, ठीक है। अच्छा हुआ कि घर पे पहुंच चुकी है भाई, मैंने तो सोचा कि फिर से गाड़ी में लानी पड़ेगी, चलो बाय।